फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे नेट्स पोर्टल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आता है आपका एमएचआरडी के अंडर। तो इसमें बहुत सारा जॉब निकलते रहते हैं। तो देखिए मेरे को खुद पता नहीं था कि कैसे इसमें जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। मैंने तो मतलब रजिस्ट्रेशन बहुत पहले कर लिया था लेकिन जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है वो मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को अभी मालूम चला है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा कोई भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो, आप मोबाइल लैपटॉप किसी से भी आप कर सकते हो। तो देखिए इसको ओपन करने के बाद फिर आपको जाना होगा सर्च बार में। सर्च बार में जाकर आपको टाइप करना होगा MHRD नेट्स। तो देखिए मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद जो पहले वाला लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाता है। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो देखिए आने के बाद इसमें आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, एनरोल करना होगा। तो एनरोल करने के लिए आपका सब कुछ डिटेल्स देना होगा, आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सब कुछ आपको देना होगा। तो अगर आपको पता नहीं कैसे करके एनरोल करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप एनरोल कैसे करते हैं आप देख सकते हो। फिर एनरोल करने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो देखिए मैंने जो मेरा ईमेल और पासवर्ड देके फिर जो इधर कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा को मैं पुट करके लॉगिन कर रहा हूं। तो देखिए मैं कैप्चा को टाइप कर दिया। तो अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ला सकते हो। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आईडी है आईडी ओपन हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नाम आ जाएगा, फिर आपका जो भी डिटेल्स है सब कुछ इधर शो हो जाएगा। फिर आपका प्रोफाइल क्या है, फिर कोई भी जॉब इधर मतलब अवेलेबल है तो मतलब इधर शो हो जाता है। लेकिन इसमें नॉर्मली कोई भी जॉब इधर नोटिफिकेशन में नहीं रहता है तो इसीलिए मतलब दिक्कत हो जाता है कि कैसे करके अप्लाई करना होता है। मेरे को मतलब दो दिन लगा है, मतलब मैं ढूंढ रहा था नहीं मिल रहा था। तो इस हिसाब से लगता है आपका प्रोफाइल रहता है, अगर प्रोफाइल अपडेट करना है तो भी अपडेट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिज्यूम वगैरह आपको अच्छी तरह से मतलब इधर अपडेट कर देना है। फिर आपको जाना होगा एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट फाइंड, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा। फिर आप इधर देख सकते हो प्रेफरेंस और एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम से ही मतलब सर्च करना है। अगर प्रेफरेंस से करेंगे तो आपका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट नेम पे टिक करना है। तो टिक करने के बाद जो भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंपनी का नाम आपको लिखना है। तो देखिए आ गया कंपनी का नाम लिखने के लिए। कोई भी कंपनी हो, मतलब जो कंपनी में मतलब अभी वैकेंसी चल रहा है या कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो उस कंपनी का नाम आप लिख दीजिए। तो देखिए मैंने एक कंपनी का नाम लिख दिया और मैंने सर्च कर दिया। तो सर्च कर दिए तो इस कंपनी का मतलब सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। फिर आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए एक्शन बोल के, और एक्शन में अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो इस अप्लाई में क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है क्योंकि आपका सब कुछ डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आप एनरोल करेंगे तभी आपका सब कुछ डिटेल्स दिया जाता है, तो उसका बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा और आपका अप्लाई भी हो जाता है। तो इस प्रोसेस से आसानी से आप कोई भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे को पता नहीं था, आपको पता भी हो सकता है लेकिन मेरे को पता नहीं था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। तो आपको यूट्यूब में ढेर सारा वीडियो मिलेगा कि कैसे एनरोल करते हैं लेकिन जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।